इब्रानियों के नाम पत्री छठवां अध्याय। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डालें। और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पीकर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छा और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। और परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसकी मनसा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में लाया ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है हमारा दृढ़ता से ढाड़स बंध जाए जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु मलकीसिदक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रीति पर प्रवेश हुआ है।